हाँ जी, तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद राज। के दिन हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड फुली ऑर्डर शेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें इस स्टॉक के अंदर, तो कल के दिन तो एक बहुत अच्छी उछाल देखने को मिली थी और आज फिर एक बड़ी गिरावट। तो क्या इसके पीछे कारण है? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है इसके पीछे, तो उसी के आज हम देखेंगे न्यूज़ सेक्टर में जाके। साथ में अगर देखें तो बात करेंगे क्या इसके अंदर ओवरव्यू बनता है हमारे स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम या पहले भी कर चुके विज़िट और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको अच्छे से लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर अभी स्टॉक के ऊपर देखें तो आपको समझ आएगा स्टॉक बहुत ही मूवमेंट में रह चुका है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर बात कर ले स्टॉक की न्यूज़ बेसिस पे, तो अगर हम न्यूज़ बेसिस चलते तो आपको देखने को मिलेगा 11 घंटे पहले टाटा मोटर शेयर डिप है, सेमी कंडक्टर स्टोरेज इम्पैक्ट प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसकी इम्पैक्ट की वजह से आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर न्यूज़ के अंदर साफ है, मैं न्यूज़ एक बार फिर आपको पढ़ के सुना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए और आप इन्फॉर्म रहे। तो बात करूँ, टाटा मोटर शेयर प्राइस स्लिप्ड इन अर्ली ट्रेड और सितंबर 2 आफ्टर अ कंपनी वॉज फोर्स टू कट डाउन इट्स प्रोडक्शन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोरेज कंटिन्यूज टू द इम्पैक्ट टू ऑटो इंडस्ट्री ग्लोबली। द रिसेंट लॉकडाउन इन ईस्ट एशिया हैव वर्स्ट द सप्लाई सिचुएशन ऑफ हैंस, टाटा मोटर इज फोर्स टू मॉडरेट प्रोडक्शन एंड ऑफ टेक वॉल्यूम इन कमिंग मंथ, द कंपनी सेड इन इट्स रिलीज। तो जो ये कंपनी ने सेड बताया उसके बाद गिरावट आई। द सिचुएशन इज फ्लूड, वी एंड वी एल कंटिन्यू टू वर्क इन मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ हीज दिस एंड एम्स टू द मीट आर कस्टमर ऑर्डर थ्रू अ एग्ली मल्टी प्रोग्नेड अप्रोच इंक्लूडिंग क्लोज इंजेजमेंट विथ आर एंटिटी सप्लाई चेन पार्टनर, प्रोसेसिंग चीपेस्ट फ्रॉम द ओपन मार्केट यूजिंग अल्टरनेट चिप्स, मैनेजिंग आर मॉडल्स एंड ट्री मिक्स द कंपनी एडेड। तो देखा जाए उस चिप की वजह से आप देख सकते हैं सेमी कंडक्टर की जो शॉर्टेज है इस वजह से कंपनी को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। बात करूँ, इतना इम्पैक्ट स्टार्टिंग में नहीं पड़ा, जैसे मैंने कहा था कल के दिन उछाल आई और वो उछाल आई भी थी। बात कर ले महीने भर में थोड़ी सी न्यूट्रल गिरावट है, 6 महीने में थोड़ी हाई गिरावट, 1 साल में स्टॉक पॉजिटिव है, 5 साल में थोड़ी सी गिरावट है, मैक्स में थोड़ा स्टॉक पॉजिटिव है, उतने रिटर्न्स भी नहीं है जितने आपने आशा किए थे, लेकिन इसकी फाइनेंशियल से उतने रिटर्न मिल जाएगा। बात करो अगर फाइनेंशियल से, सितंबर के अलावा दिसंबर, मार्च और जून सभी क्वार्टर बढ़िया गए। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।